आज का रॉका एपिसोड रियाद सऊदी अरब से, वो भी क्राउन जूल के बाद का पहला इवेंट। और ये शो पे हमें ब्लड लाइन के बारे में बहुत बड़ी चीज मालूम पड़ी। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। और शो की शुरुआत ही हमें ल्यू मॉर्गन से देखने के लिए मिली। ल्यू मॉर्गन रिंग में आती है और वो कहती है कि अपन ही है नई क्राउन जूल वुमेन चैंपियन। और यहाँ पे अपना यानी मेरा ल्यू मॉर्गन रिवेंज टूर ऑफिशियली ख़त्म होता है और यहाँ से ल्यू मॉर्गन वर्ल्ड टूर ऑफिशियली शुरू होता है, क्योंकि मैंने रिया रिप्ली को NXT के शो पे जाके अटैक करके उन्हें काफ़ी लंबे समय के लिए अब एक्शन से दूर कर दिया है। और वही चीज़ की काफ़ी ज़्यादा बड़ाई मारते हैं, उन्हें इंटरप्ट करने आ जाते हैं जेड कारगिल और बियंका बेलेयर, और वो वहाँ पे आते बराबर उन्हें एक मैच के लिए चैलेंज कर देती है। लेकिन वो कहती है कि भगभग अभी हम मैच एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अभी हम थोड़े बिजी है क्योंकि तुम दोनों नकली टैग टीम और हम दोनों असली टैग टीम, यानी कौन ल्यू मॉर्गन और रकेल रोड्रिगेज काफ़ी अच्छे बेस्ट फ्रेंड होते हैं। ये सुन के ल्यू मॉर्गन उनसे कहती है, उनको रोस्ट करने की कोशिश करती है कि तुमको सिर्फ वुमेंस टैग टीम चैंपियनशिप जोड़ के रखती है, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो तुम दोनों एक दूसरे को कब का अटैक कर चुकी होती। बियंका बेलेयर तेरे ऊपर कब का अटैक कर चुकी होती जेड कारगिल। ये सुन के जेड कारगिल कहती है ठीक है, आज शाम को अपन दोनों भिड़ते हैं, यानी दोनों टीम भिड़ते हैं और फिर देखते हैं कि कौन असली वुमेंस टैग टीम चैंपियन बनने के लायक है, फिर चैंपियन बनने के लायक है। लेकिन उससे पहले ही एडम पियर्स बाहर आ जाते हैं और वो गुस्सा होते हैं ल्यू मॉर्गन से, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अटैक किया था रिया रिप्ली पे। और वो कहते हैं तुझे लगता है कि रिया रिप्ली आउट ऑफ एक्शन हो गए, लेकिन तुझे तेरे चैंपियनशिप के लिए नंबर वन कंटेंडर मिलेगा और वो आज ही मिलेगा और वो बैटल रॉयल में मिलेगा और वुमेंस चैंपियनशिप भी, यानी वुमेन चैंपियन भी इस बैटल रॉयल का हिस्सा होंगे। ये सुन के रिया रिप्ली की भी याद करती है ल्यू मॉर्गन, क्योंकि अगर रिया रिप्ली होती तो वो कहती कि भाई अब तुझे पटक के मारूंगी, लेकिन अब तो साला नंबर वन कंटेंडर आने वाला है और वो किस कौन सा सुपरस्टार होगा वो पता ही नहीं। और तभी एडम पियर कहते हैं कि अभी क्या अभी बैटल रॉयल शुरू होगा। और फिर बैटल रॉयल की शुरुआत होती है, इसमें हमें देखने को मिलता है इयो स्काई, जेड कारगिल, बियंका बेलेयर, नटालिया, कायरी सेन, सनीला वेगा और शेना बेज़लर, आईवी नाइल, केडन कार्टन, कटाना चांस, मैक्सिन टुपरी, एल्बा फायर और कटाना चांस, ये सब सुपरस्टार बैटल रॉयल का हिस्सा बनते हैं। और सबसे पहले एलिमिनेट होने वाली सुपरस्टार होती है आइला डॉन, सबसे पहले एलिमिनेट होती है, उसके बाद कटाना चांस, उसके बाद मैक्सिम डुपरी, यानी जिस क्रम में सुपरस्टार आए थे उसी क्रम में एलिमिनेट होना चालू हो जाते हैं। और मैच के एंडिंग में ल्यू मॉर्गन और रकेल रोड्रिगेज दोनों को एलिमिनेट कर देती है, यानी वुमेंस टैग टीम चैंपियनशिप को होल्डर को एलिमिनेट कर देती है। तो वो रिंग में दखल देती है और उनको एलिमिनेट कर देती है। इसका फायदा तो उठाती है, कौन उठाती है, तो कायरी सेन इसका फायदा उठाती है और वो एलिमिनेट करने की कोशिश कर देती है तो लायरा वैल्क्यूरा, लेकिन लायरा वैल्क्यूरा को वो ही एलिमिनेट कर देती है। और उसके बाद इयो स्काई सुप्लेक्स लगाती है रिंग साइड पे और एलिमिनेट कर देती है लायरा वैल्क्यूरा को और वो बन जाती है नंबर वन कंटेंडर फॉर दी वुमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। फिर हमें देखने के लिए मिलता है नंबर वन कंटेंडर मैच, वो भी रॉ के टैग टीम चैंपियन की चैंपियनशिप के लिए। और ये मैच में थे एक तरफ थे न्यू डे, एक तरफ थे वॉर रेडर्स और दोनों टीम ने काफ़ी ज़बरदस्त मूव लगाए। लेकिन ये मैच में मुझे थोड़ी नोकझोंक दिखाई थी न्यू डे की तरफ से, क्योंकि जिस वक्त ट्रबल इन पैराडाइज लगाने जाते हैं कोफी किंगस्टन, तभी कोफी किंगस्टन को टैग करके खुद जेवियर वुड्स अंदर आ जाते हैं और फिर उसके बाद वॉर रेडर्स का कमाल शुरू होता है। वो डबल टीम मूव लगाते हैं अपना जेवियर वुड्स के ऊपर और ये मैच में जेवियर वुड्स को काफ़ी इजीली पिन करके नंबर वन कंटेंडर बन जाते हैं। किसके लिए? तो रॉ के टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जो अभी फिलहाल जजमेंट डे के पास है। और इसके बाद हमें ये तो स्प्लिट तो देखने ही मिलने वाला है न्यू डे का, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो फिर हमें देखने के बाद नेक्स्ट सैमी ज़ेन का सेगमेंट। सैमी ज़ेन रिंग में आके कहते हैं कि वहाँ के लोगों को पहले वो तो वेलकम करते, जिस तरह का पॉप होता है सैमी ज़ेन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा देख के मुझे अच्छा लगा। सैमी ज़ेन ने कहा कि जो कुछ क्राउन जूल में हुआ उसके बारे में वो बात करने वाले। ये सुन के जे उसे भी बाहर आ जाते और जे उसे सैमी ज़ेन से आके पूछते कि अरे भाई सैमी ज़ेन, ज़रा एक बात बता, जो कुछ भी क्राउन जूल में हुआ क्या वो तूने जानबूझकर किया, ज़रा बता मुझे। लेकिन उससे पहले तू जो हमारी मदद करने आया था न्यू ब्लड लाइन के खिलाफ उसके लिए मैं तेरा शुक्रिया करता हूँ, लेकिन तू मुझे बता कि तूने क्या जानबूझकर रोमन रेंस के ऊपर अटैक किया। ये सुन के जिमी उसे भी बाहर आ जाते और जिमी उसे जे उसे उसे कहते कि भाई ये भरोसे के लायक नहीं है, इसने जानबूझकर अपने OTC पे अटैक किया। ये सुनकर सैमी ज़ेन कहती कि भाई जिमी उसे मैं तुझे तेरा ट्रैक रिकॉर्ड याद दिलाऊं, तूने किस किस पर अटैक किया, किस किस को धोखा दिया। फिर जिमी ने सैमी से कहा कि भाई सैमी तू ये बात मत भूल
कि मैं ही वो सुपरस्टार हूँ जिससे तू सबसे पहले दोस्त बना था, मैं ही तुझे सबसे पहले ब्लडलाइन में लाया था। फिर सैमी जिन कहते हैं कि तूने ही मेरे ऊपर सबसे पहले अटैक भी किया था। फिर सैमी जिन ने जे उसो से कहा कि जे उसो भाई तू भूल गया कि किस तरह यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच के वक्त जे उसो ने जब तू रोमन रेंस से मैच लड़ रहा था तो जिमी उसो ने आके तुझे मैच कॉस्ट किया था। इसके ऊपर जिमी उसो कहती कि मैं बुरा इंसान नहीं रहा, वो वक्त था लेकिन अब नहीं रहा। इसके ऊपर सैमी जिन ने कहा कि भाई जिमी मैं तेरे से नफरत नहीं करता क्योंकि तू बुरा इंसान नहीं है लेकिन तू बुरे फैसले ज़रूर लेता है। इसकी वजह से जब क्राउन जूल में मैं तेरे और रोमन के साथ यानी जो उसो जो रोमन रेंस के साथ रिंग में था तो मुझे पुराने दिन जैसा महसूस हो रहा था कि किस तरह पूरी दुनिया में हमने ब्लडलाइन का हिस्सा होते हुए सबको डोमिनेट किया। लेकिन सैमी जिन ने कहा कि वो वापस एक बार ट्रायल का हिस्सा नहीं बनेंगे और वहाँ से जाने लगे। फिर जे उसो ने सैमी जिन को रोक के कहा कि भाई जैमी रुक जा, तू अगले हफ्ते स्मैकडाउन पे आ ताकि हम चारों एक परिवार की तरह बात कर सकते। तो जे उसो ने कहा कि भाई लेकिन सैमी जिन तो परिवार ही नहीं। तो जे उसो ने वापस उसके ऊपर कहा कि वो खून से परिवार का रिश्ता नहीं मानते लेकिन सैमी जिन परिवार है, ये बात पक्की है। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिला ड्रैगन ली वर्सेज चैड गेबल के बीच में। ये मैच काफ़ी अच्छा था रेसलिंग वाइज क्योंकि दोनों सुपरस्टार जिस तरह से रेसलिंग करते वो देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा और दोनों सुपरस्टार ने जीतने के लिए अपना सब कुछ छोक दिया। लेकिन जब मैच में चैड गेबल ने चीटिंग करनी चाहिए तो मैच में इंटरफेयर करने के लिए जेलिना वेगा को आना ही पड़ा और जेलिना वेगा जब आई तो आईवी राइन ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और वो उसको चेक करने के लिए फिर रेमे स्टेरियो आए और रेमे स्टेरियो को जब चैड गेबल का ध्यान रेमे स्टेरियो की तरफ गया इसका फ़ायदा उठाया ड्रैगन ली ने और उनका फिनिशर ऑपरेशन ड्रैगन लगा के चैड गेबल को पिन करके ये मैच जीत लिया। उसके बाद उन्होंने स्टैंड टॉल करके सेलिब्रेशन भी किया। फिर ठीक है, फिर आता है शो का मेन इवेंट। तो आता है नंबर वन कंटेंडर मैच, एक तरफ होते हैं डेमियन प्रिस्ट, डोमिनिक मिस्टीरियो, शेमस और सेथ रॉलिंस। ये मैच भी काफ़ी ज़्यादा हाई रेटिंग, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे मैच देख के और चारों के चारों सुपरस्टार ने मैच जीतने के लिए काफ़ी ज़्यादा एड़ी चोटी का जोर लगाया। लेकिन अगर सीधे मैच के एंडिंग की तरफ बढ़े तो मैच में इंटरफेरेंस हो जाता है ब्रॉन्सन रीड का, वो सबसे पहले लगाते हैं डेमियन प्रिस्ट को सुनामी और बाकी दोनों सुपरस्टार यानी सेथ रॉलिंस और शेमस का काम भी ख़त्म करते हैं। ब्रॉन्सन रीड को देख के छुप जाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को लगा कि भाई अगर इसके हाथ पड़ गया तो ये तो चटनी बना देगा, जिस लेवल का सुपरस्टार है, जिस तरह का भारी सुपरस्टार है ये तो पटक पटक के मारेगा भाई। और मैच के एंडिंग में थोड़ा थोड़ा रिकवर करने की कोशिश करते हैं डेमियन प्रिस्ट और वो डोमिनिक मिस्टीरियो को कवर कर दे यानी काउंटर कर देते क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो पिन करने की कोशिश करते हैं, फोकट फाकट पिन करने की कोशिश करते हैं और फिर साउथ ऑफ हेवन चोक स्लैम लगा के वो डोमिनिक मिस्टीरियो को पिन कर देते हैं। कौन पिन कर देता है तो डेमियन प्रिस्ट पिन कर देते और नंबर वन कंटेंडर बन जाते हैं। और जब वो नंबर वन कंटेंडर बनते हैं तो उनको रिंग में कन्फर्म करने कौन आता है तो गुंथर आते हैं कन्फर्म करने और इस तरह शो ऑफ एयर चला जाता है।